तो कुल मिलाकर के तमाम एग्जिट पोल्स और उन एग्जिट पोल्स के बाद जी न्यूज का महा एग्जिट पोल, 117 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की गेम ऑफ गुजरात में यहां मिलती हुई। साबरमती रिवर फ्रंट से आपके साथ मैं मौजूद हूं और इस वक्त इस महा एग्जिट पोल का जिक्र करें तो बीजेपी छठी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया लेकिन महा एग्जिट पोल में 64 सीटें कांग्रेस को आती हुई नजर आ रही है और एक सीट अन्य के खाते में नजर आ रही है। ये महा एग्जिट पोल की टैली इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, 117 सीटें बीजेपी, लेकिन बीजेपी यहां से उस मैजिकल फिगर से अभी भी चूकती हुई जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे, 151, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि अभी आश्वस्त है वो और 18 को जब नतीजे आएंगे 150 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी ये कह रही है कि यहां से नतीजे बिल्कुल उलट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ तो दो खास मेहमान मौजूद हैं, पीयूष पटेल लगातार पाटीदार नेता जो हमारे साथ बने हुए हैं, महेश जोशी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ शाह साहब जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं जिनका अपना एग्जिट पोल भी लगभग हमारे यही महा एग्जिट पोल के नजदीक बैठ रहा था और वो भी यही कह रहे थे कि पटेल फैक्टर पर जो इतना बैक किया गया है ये फैक्टर इतना बैक नहीं होगा। शाह साहब मैं आपसे इसी सवाल को शुरू करना चाहता हूं जिसका जिक्र यहां पर पीयूष जी कर रहे थे और हार्दिक ने आज सुबह जब वो इंटरव्यू दिया तब कहीं ना कहीं नजर आ रहा था हार्दिक को भी अंदर की इंफॉर्मेशन पता लग गई थी कि कांग्रेस का साथ शायद पाटीदारों को पसंद नहीं आया, गुस्सा तो था लेकिन वो गुस्सा कांग्रेस के वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा। नहीं, हमने अक्टूबर में सर्वे किया था, नवंबर में किया था, दिसंबर 1-4 में किया था और आज एग्जिट पोल किया, उसमें अगर जो देखा जाए तो पाटीदार फैक्टर जो है उसमें पाटीदार में भाजपा के सामने रोष था, रोष जरूर था, लेकिन साथ साथ अगर आपको पाटीदार में भी हम जब ज्ञातिवाद ही चला था तो हमने उसको डिवाइड करके देखा, कड़वा पाटीदार देखे, लेउआ पाटीदार देखे, तो कड़वा पाटीदार में 60% लोग कांग्रेस को तरफदारी करने के लिए तैयार थे लेकिन 40% अभी भी नहीं थे और लेउआ पाटीदार में 40% लेउआ पाटीदार ऐसे थे जो ऐसा बोले हम बीजेपी से नाराज हैं लेकिन हम कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, ऐसा तो नवंबर में हमारे पोल में आया था, मैं ऐसे डेढ़ महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी आया था एज फैक्टर देखा जाए, 18-29 जो हमने एज ग्रुप बनाया था 18-29 एंड दूसरा बनाया था 29-59, तो 18-29 का जो एज ग्रुप था उसमें से अगर 2002 का 18-29 का एज ग्रुप देखा जाए, 2007 देखा जाए, 2012 देखा जाए या 2017 देखा जाए, क्योंकि हम 2007 से इलेक्शन स्टडी कर रहे हैं, 2002 और 2007 में 18 से 29 का जो एज ग्रुप था उसमें 90% ऐसे एंड मास बीजेपी के पास था, ऐसा सोचिए 2012 में उनमें से थोड़ा खिसका, लेकिन 2017 में जो 18-29 का जो एज ग्रुप था उसमें भी अगर डिवीजन किया जाए तो 18-23 का जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप में करीब 50% बीजेपी के पास से ऑलरेडी खिसक चुका है, ऐसा हमारा मानना है पोल के हिसाब से। तो लेकिन उसके सामने जो एज ग्रुप 18-29 था जो 2002 में वो आज बनकर के 29-59 के ग्रुप में आ गया, तो ये जो एज ग्रुप था तो वो 29-59 एज ग्रुप बीजेपी के लिए स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग, तो ये जो वहां से जो थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट नालीफाई हुआ वो यहाँ पर मजबूत हुआ। नहीं, लेकिन पीयूष जी एक और चीज भी इसमें फैक्टर देखा, पीयूष जी हम भी लोगों के बीच गए, तमाम पाटीदारों से मिले, पाटीदार लोगों से मिले, वो पाटीदार जो कि नेता नहीं है आंदोलन से जुड़े रहे, उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज आया कि अपनी अपनी दुकान या अपनी अपनी राजनीति तो ऊपर के जो थे वहाँ सज गई, लेकिन उनको सिर्फ एक आरक्षण की बात थमा दी गई जो कि प्रैक्टिकली उन्हें लगा कि कांग्रेस का साथ यूज़ किया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा और ये परसेंटेज में आज एग्जिट पोल में शायद कहीं नजर आ रहा है, इस कारण से पटेल या पाटीदार खिसका कांग्रेस से। देखिए आप जो बता रहे हैं मैं तो उससे एक स्टेप आगे बोलता हूँ कि गुजरात में आक्रोश तो हर समाज में है, सिर्फ पाटीदार में नहीं है। अच्छा, पाटीदार में कमिटेड वोटर्स जो सीनियर लोग हैं इन्होंने बताया जयेश भाई ने कि भाई जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं वो ज़्यादा कमिटेड है, उनको ये लगता है कि इतने साल हमने भाजपा को सपोर्ट किया अब हम कांग्रेस में क्यों जाए, एक तो उसमें से कुछ लोग साइलेंट हो गए, लेकिन जो यंगस्टर लोग हैं वो इतने आक्रोश वाले हैं कि उनका तो माइग्रेशन हो ही गया है ऑलमोस्ट, सिटी को छोड़ के रूरल साइड में तो हो ही गया है। अच्छा, दूसरी बात बताऊँ कि गुजरात के और समाज व्यापारी लोग
यंगस्टर जो बेरोजगार है वो सारे भी इतने जो माइग्रेट हो ही गए हैं आज के दिन में। अभी आपका जो पोल का रिजल्ट है, एक महीने पहले का पोल का रिजल्ट 150 के आसपास था, वो एक महीने में चलो इतना तो कम आ गया, 150 के आसपास था, ये एक डेढ़ महीने में चलो इतना तो कम आ गया। अभी देखते हैं तीन दिन के बाद पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो एक्चुअल सिनेरियो पता होगा। दूसरा, ये सैंपलिंग एरर इसमें हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, वो तो प्लस माइनस आप लगा के चले रहे हैं। गौरव भाटिया, यहाँ पर जिस चीज का जिक्र यहाँ पर अभी भी पटेल से कह रहे हैं कि नहीं, गुस्सा था, वोट में तब्दील भी हुआ है और ये तीन दिन बाद नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड पे जाओ तो ये डिसेंट साफ नजर आता है कि पाटीदारों में भी ये फील गया कि नहीं, हमारा फ्रैक्शन हो गया, इस कारण से जो उनका पुराना वोट इंटैक्ट है वो बीजेपी के पास ही रहेगा, ये एग्जिट पोल ये दिखा रहा है। आपको अब आप लगता है कि इसी पर कहीं ना कहीं खरा उतरेगा ये फैक्टर? मैं आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया, में आप सचिन की आवाज क्या सुन पा रहे थे? गौरव भाटिया हमारे साथ है? हाँ, गौरव भाटिया, सचिन ने आपसे, हाँ सचिन ने आपसे वहाँ गुजरात से सवाल पूछा था सर, ये पाटीदारों को लेकर मैं सुन पा रहा था, ये नाराजगी भी देखिए आपके ही काम आ गई। नहीं, मैं सुन पा रहा था, कौन सा दिलस में सर? ये यही तो जादू है मोदी जी और अमित शाह जी का। आप सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सर, जादू सुनाई दिया हमें। विकास नहीं, जादू है। हाँ, मैं देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि 22 साल हम लोग सरकार बना के गुजरात की जनता की सेवा करते आए हैं, और कई बार होता है कि कुछ मनमुटाव हो या कोई नाराज हो, लेकिन हम अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो गुजरात की जनता है उनसे बहुत लगाव रखते हैं, और नरेंद्र मोदी जी और अभी विजय रूपानी जी वहाँ हैं, उन्होंने हमेशा वहाँ के लोगों का ध्यान रखा है, गुजरात का विकास किया है, और इसीलिए जब पोलिंग का दिन आया तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार बताइए, अगर बात करते हैं तो विजय रूपाणी का नाम कोई नहीं लेता गौरव भाटिया, सब मोदी का नाम लेते हैं। मोदी बड़े हो गए हैं क्या सभी मुद्दों से? और दूसरा ये सुनिए सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए, साइलेंट हो गए हैं। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के जो साहब हमारे साथ हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो सीनियर पटेल थे ये साइलेंट हो गए हैं, इसका फायदा आपको पहुंचा है? नहीं रूबिका जी, देखिए मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूं। मैंने जैसा कहा कि पाटीदार समाज जो है बहुत से ऐसे संगठन थे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे। हार्दिक पटेल एक सिंबल बने जिसको मीडिया ने भी उठाया, लेकिन हार्दिक पटेल की खुद की विश्वसनीयता क्या है? रात के 12 बजे जाके एक डील स्ट्राइक करते हैं। आज गुजरात की जनता पूछती रही, हमने भी सवाल उठाए कि आप आरक्षण देंगे कैसे, जो झूठे वादे आप कर रहे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, और ना कांग्रेस ने बताया ना हार्दिक पटेल ने बताया। और मैं समझता हूं जिसकी विश्वसनीयता ना हो उसके साथ गुजरात की जनता कभी नहीं जा सकती। देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह का कुचक्र भी चला गया, तमाम तरह के नेगेटिव प्रयास किए गए, उनका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। लेकिन अभी फिर मैं कहूंगा, भाजपा को इतना अहंकार में आने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात की जनता बहुत चिंतन और मनन के साथ वोटिंग करके गई है। सचिन भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं है लोग। गौरव साहब एक सेकंड, सचिन वहां से एक सवाल पूछ रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हाँ सचिन साहब, मैं रूबिका इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, आलोक जी इसमें बेहतर जवाब देंगे, हालांकि अभी बहुत आश्वस्त है कि नहीं गुजरात में, और इनके जो पहले भी जो इनकी प्रवक्ता थी वो भी आश्वस्त थी कि गुजरात में तीन दिन बाद बिल्कुल अलग ही तस्वीर होगी। ठीक है, वो हम भी नहीं कह सकते क्योंकि एग्जिट पोल है, रिजल्ट असली नतीजे तो है वो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल इन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, साफ नजर आ रहा है। एक चीज तो जमीन पर आपने देखी है आलोक जी, मैं इसमें आपका इसलिए जवाब चाहूंगा, अगर इसी एग्जिट पोल को देखा जाए, एक चीज जमीन पर थी, कांग्रेस का कैंपेन बहुत अच्छा, कांग्रेस यहां पर एजेंडा सेट कर रही है, कांग्रेस लीड कर रही है, बदले हुए राहुल नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि हार्दिक के पीछे इतनी ज्यादा कांग्रेस ना पड़ी होती तो शायद अपने दम पर कांग्रेस और बेहतर बढ़िया तरीके से होती इन एग्जिट पोल में भी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हार्दिक के पीछे हम बहुत ज्यादा पड़े या कोई बहुत ज्यादा विषय ऐसा रहा।
हार्दिक वाला जो विषय था केवल एक वो पाटीदार समाज, उनका आंदोलन और जो समाज में अनरेस्ट था वो जरूर कांग्रेस के साथ आया, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा पीछे पड़े और उसका कुछ ऐसा हुआ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे अभी भी पूरी तरह से उम्मीद है कि गुजरात में मैं खुद भी गया, जिस तरह का माहौल था, अनरेस्ट था, हर व्यक्ति कह रहा था कि भाजपा को हटाओ, नतीजे आपको फिर दोबारा से चौंकाने वाले जी। परवेज जी, रैली में भारी भीड़ भी थी, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वोट्स में तब्दील नहीं हो पा रहा है? विमान सा और रूबिका, मैं थोड़ा सा दो कदम आगे चल के जरा सा देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे भी चुनाव के जो नतीजे हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि ना तो ये विपक्ष के लिए मायूसी की बात है, ना ही ये कांग्रेस के लिए मायूसी की बात है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत सुपर बॉक्सर होता है रिंग में और उसको भेदना बड़ा मुश्किल होता है, तो मोदी को आप समझ लीजिए और साथ में उनके अमित शाह खड़े हुए हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। उसमें जो जो छोटे बॉक्सर होते हैं या कमज़ोर बॉक्सर होते हैं या जो चैलेंज कर रहे होते हैं, कमज़ोर वैसे नहीं होते लेकिन ये कि उनकी एक हौसला पस्त होता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके टेस्ट करते हैं कि कहाँ वल्नरेबल है, कहाँ वल्नरेबल है, पता चला यहाँ वल्नरेबल है, वहाँ वल्नरेबल है। मिसाल के तौर पे वो विकास के मुद्दे पे मात खा सकते हैं या विपक्ष का गठबंधन मजबूत हो सकता है, शायद उसके जरिए हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भी तमाम पूरी शक्ति है उसका जबरदस्त परीक्षण हुआ है और विपक्ष ने उसको देखा है कि उसको भेदा जा सकता है। वल्नरेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, उसको भेदा जा सकता है। राज्यों में कांग्रेस पहले से है नहीं, ये दो राज्य और खिसक जाएंगे तो मुराल का क्या होगा? नहीं, उसका अल्टीमेटली क्या यही होता है, देखिए उसकी वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जितनी बदहवासी से उसने इलेक्शन लड़ा है आखिरी कुछ 10-15 दिनों में, मतलब जैसे कहते हैं ना भाग के एकदम से, ना तो आपका चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ, फिर पता चला आप अपने मुद्दे भी भूल गए, विकास भी भूल गए, वो हिंदुत्व का वो जो पुराना कार्ड है जो आप चलते आए हैं 20 साल से, मंडल का। एक सच्ची बात बताइए आलोक जी, और एक अच्छे पॉलिटिशियन के नाते बताइएगा, मुझे नहीं पता ये आपके लिए कितना टफ होने वाला है, लेकिन इन 18 हार से और लगातार बीजेपी की जीत से एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते आपको सीख क्या मिलती है? देखिए कहीं ना कहीं अगर लगातार हार होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी होता है वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्रश्न चिन्ह आता है कि भाई हम लगातार क्यों हार रहे हैं, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमने कहाँ पर प्रयास में कमी छोड़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस एक आइडियोलॉजी और मास बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हार के बाद उसके बावजूद अपने आप को खड़ा करने की ताकत रखता है। 77 में लोगों ने कहा कांग्रेस खत्म हो गई, अभी तो बाकी लोग कह रहे हैं कांग्रेस। लेकिन आलोक जी 22 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है, 22 सालों में आपको कोई नेता ऐसा नजर नहीं आया कि आप इनके मुकाबले खड़ा कर पाए? अगर ऐसा होता है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं आज, अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जो आपका प्रश्न है मैं उससे एग्री करता हूं और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि 22 साल में हम क्यों नहीं खड़ा कर पाए। एक 32 सेकंड एक बात और कहूंगा, कांग्रेस को ये भी देखना होगा, कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि उसने भले ही 50-55 साल देश पर राज किया हो, वो बड़ी मजबूत पार्टी रही हो, लेकिन ये कि अगर उसको आगे चल के एक विपक्ष का गठबंधन बनाना है तो उसको फिर बाकी जो समीकरण है उनको बहुत सोच समझ के साथ में लेके चलना होगा। वो जो एक अहम होता है ना कि हमने इतने साल राज किया है, सारी चीजें हमने सत्ता चलाई है, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके कांग्रेस का अहम टूटा है, शायद ये विपक्ष के लिए अच्छा है और शायद ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। मतलब रीइन्वेंट करना होगा और अगर ये नहीं किया तो फिर जो सपना है बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ सर बताइए, कांग्रेस मुक्त भारत सपना तो है लेकिन बीजेपी युक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर कर रहे हैं, नेता कार्यकर्ता कुछ भी कह दीजिए। नहीं रूबिका जी, देखिए आपने अभी एक प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, ये सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और ये खुद मेहनत और लगन से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। और कांग्रेस में इसका इन्वर्टेड पिरामिड है, राहुल गांधी जी इसलिए अध्यक्ष बना दिए जाते हैं क्योंकि उनके सरनेम गांधी है और वो अपनी मेहनत या अपने से आप इतना व्यक्तिवादी आरोप ना लगाएं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आप। मैं समझता हूं पन्ना प्रमुख वाली जो बात कही थी वो भी दिल्ली से शुरू हुई थी और क्या हुआ दिल्ली में वो पूरे देश ने देखा था। अरे गौरव भाटिया बहुत ईमानदारी से अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, डोंट यू फील दैट राहुल गांधी हैज ग्रोन अप एज अ पॉलिटिशियन? इन चुनावों में आपने उनमें कोई चेंज देखा? आपके जो सहयोगी दल है शिवसेना भी ये बात कहती है कि वो अब एक नेता बन गए हैं, उभर रहे हैं। You also be a good politician. When we ask you this question, I think आपको बहुत ईमानदारी से फिर जवाब देना। Speak from your heart.
भाजपा में दिल नहीं। मैं बताता हूं रूबिका जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर देना था तो चिट से पढ़ रहे थे वो नेता, जो तमाम आंकड़े सब लोग चिट से रखते हैं, मोदी जी तो शहनवाज और पता नहीं किसके से शहजाद पूनावाला, कभी भी नाम किसी का प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है यहाँ पे। स्पून फीडिंग होती है और आप देखिए, मैं कह रहा हूँ दिल है ही नहीं, केवल दिमाग से देखते हैं कि राहुल गांधी को एक एक बदलते हुए या एकदम नए अवतार में आए पॉलिटिशियन के तौर पर आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट जवाब सुनिए, चिट्स की आपको कई बार बहुत चिट्स पास दिए जा रहे हैं, मैं मीमांसा जी को या मीमांसा जी मुझे कई बार चिट्स पास कर लेते हैं, मतलब ये थोड़ी मीमांसा के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। सुनिए, अरे मैं आप सुनिए तो रूबिका, अगर क्लास में एक छात्र फेल होता है और सबसे नीचे 40 नंबर पास किए और 10 नंबर पाता है और फिर 20 पाने लगे तो क्या आप कहेंगे बड़ा अच्छा छात्र हो गया? वही हाल राहुल गांधी जी के साथ है कि अगर कांग्रेस अभी अहंकार बोल रहा है, गौरव जी कई बार फेल होने वाले छात्र भी ना बहुत कुछ कर जाते हैं जिंदगी में, उनकी तुलना अगर होगी तो देश के बहुत बड़े बड़े लोग जो संसार में आए हैं मैक्सिमम वो आए हैं जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में फेल हुए। चलिए इंट्रोस्पेक्शन तो ये होता रहेगा, हम थोड़ा अहमदाबाद का भी रुख कर लेते हैं और वहाँ पर सचिन के साथ कई मेहमान हैं, बीच में फिर आपके पास भी आएंगे। मुझे अच्छा सचिन, मैं गुजराती में पूछूंगी एक तो मुझे ये गुजराती कीड़ा जो है ये बड़ा जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, पर एनीवेज सचिन एक तो सरदार आवे छे, पर सरदार ना आवानी तैयारियां केवी रीते चाले, इफ आई एम राइट। विष्णु पंड्या जी से पूछते हैं और इस वक्त उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है और अच्छा। इस आखिरी दौर की वोटिंग से पहले भी हम उनसे बात कर रहे थे। सर जिस तरीके की एक डिसेंट नजर आ रहा था, कनेक्शन जो है वो लॉस्ट होता हुआ कह रहे थे कि बीजेपी से नजर आ रहा है वोटर थोड़ा सा नाराज है कांग्रेस में, इस बार बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ एक फाइट है, इलेक्शन मोड चल रहा है और ना जाने क्या क्या उठा, एग्जिट पोल में वो तब्दील नहीं हो रहा गुस्सा? इसका एक कारण ये है, मैं बार बार कहा करता हूँ, मैंने 67 से आज तक के सभी चुनाव देखे, अलग अलग ढंग के चुनाव होते थे, अलग अलग मुद्दे होते थे, अलग अलग पात्र होते थे, व्यक्ति कैरेक्टर्स होते थे। इस बार जो था उसमें फाइट तो थी, लेकिन फाइट में जो वोट देने वाले लोग थे उन्होंने सोच लिया था कि ठीक है हमें भाजप से नाराजगी तो है, ठीक है उससे हम दुखी भी हैं, लेकिन हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो पुराना जो हिस्ट्री है पास और वो 85 का जो खाम का आंदोलन, और खाम के आंदोलन में 80 लोग मरे थे, गोलियां चली थी 56 के बाद, यहाँ कांग्रेस हाउस के पर गुजरात आंदोलन के लिए गोलियां चली थी, 69 का जो दंगे फसाद हुए थे, ये सब देखा था उन्होंने, तो उनको लग रहा था कि ये ठीक है भीड़ होती है हार्दिक की बड़ी भीड़ होती है, लेकिन अटल जी कहा करते थे 67 में यहाँ आते थे तो कि ये भीड़ तो होती है लेकिन वोट कोई नहीं देता हमें, ठीक वही बात इधर भी किसी प्रकार से ये लोग आते थे, भीड़ होती थी सभी जगह भीड़, लेकिन ये एक इसका मतलब है कि कैलकुलेटिव गुजराती। अच्छा सचिन एक और बात, सचिन जरा पूछिए ना, बाकी जो आपके मेहमान हैं वो सचिन ये सवाल वाकई मुझे चाहिए, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। सचिन इस सवाल का जवाब कि सब बढ़िया चल रहा था, बहुत भीड़ भी आ रही थी, हो सकता है वो भीड़ वोटों में भी तब्दील कर जाती, इफ यानी लेकिन अगर हार्दिक पटेल ने ये नहीं कहा होता कि रिजर्वेशन बाद में पहले बीजेपी को हराना है, ये शायद खेल खराब कर गया। थर्टी सेकेंड, ये कि अगर भीड़ भी आ रही थी हो सकता है वोटों में भी तब्दील हो जाती, अगर हार्दिक ने ये ना कहा होता कि मुझे तो सिर्फ बीजेपी को हराना है आरक्षण बाद में, ये शायद कहीं ना कहीं बैकलैश किया? नहीं केवल यही नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में भी जा सकता हूँ। हाँ अभी लोगों के दिमाग में अभी भी कांग्रेस के प्रति जरा भी प्रेम नहीं, थोड़े बहुत एक तबका है, ठीक है इसी कारण ये हुआ। ठीक है रूबिका मुझे वापिस आपको देना है, इन्हीं की बात को जो पंडित जी ने बोला, कहते 67 में अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आते थे, कहते थे बहुत भीड़ है यार जब मैं यहाँ पर आता हूँ लेकिन वोट नहीं देती, आज वही स्थिति कांग्रेस के साथ हो रही है। रूबिका दूसरी बात ये भी है कि ये जो स्ट्रैटेजी है
हार्दिक पटेल की चेंज हुई भी, उन्होंने शुरुआत में बहुत ही आरक्षण पर फोकस रखा था, लेकिन बाकी अगर उनकी रैलीज पर अगर हम ध्यान दें तो वो बेरोजगारी की बात ज्यादा कर रहे थे और जो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं और ग्रोथ के बारे में कि कृषि पर ध्यान नहीं है, किसान बहुत परेशान है, ये स्ट्रैटेजी बदली थी लेकिन ये भी कारगर नहीं साबित हुई। बिल्कुल नहीं। हम फिर बता दें, सॉरी ममता जी, फिर बता दें कि ये एग्जिट पोल है, अभी असल नतीजे नहीं आए हैं। असल नतीजों के लिए तो जी न्यूज की तैयारी एकदम पूरी है, बहुत शानदार कवरेज रहने वाला है और इतने सटीक हम आप तक जो है आंकड़े पहुंचाने वाले हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दावा भी है हमारा और वादा भी और है। और आंकड़ा है 117 गुजरात में बीजेपी की सरकार।